हेलो एवरीवन, विपुल सर, चलिए देखते हैं मंडे को बैंक निफ्टी कहाँ पे वर्क कर सकता है। इस वीडियो में हम इंडिया वेक्स पीसीआर ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस करेंगे और कुछ न्यूज़ पे फोकस करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि फ्राइडे को मार्केट शूट किया। रीज़न क्या था, मैंने प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो में बताया था कि मार्केट मतलब जो हमारा GDP इंडिया का वो 7.8 आया, जो कि बहुत अच्छा आया है। हो सकता है इसके कारण मार्केट डायरेक्शनल मिल जाए, वही हुआ, मार्केट ऊपर गया। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी ओवरनाइट अपडेट्स आते हैं वो मैं प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो में शेयर करता हूँ, तो आपको उससे डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपडेट्स मिल जाएगा मार्केट का, ठीक है। बट ऑल दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज। अभी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखो, आज सैटरडे है, आज 1 बजे समथिंग आदित्य एल मिशन है ना, मतलब एक और लॉन्च कर रहे हैं हमारे इंडिया से। अगर ये भी अच्छा खासा वाक्य जो भी करेगा ये, अगर कर गया तो मार्केट हमको और पॉजिटिव देखने के लिए मिल सकता है। होपफुल 45,000 तक भी हमको देखने के लिए बैंक निफ्टी मिल सकती है। सेकंड चीज़ ये कि हमारे इंडिया में जी सबमिट है, आप सबको पता है जी सबमिट मतलब ऑलरेडी एक पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे लिए। अगर ये और अच्छा हुआ, इसको मार्केट ने पॉजिटिव लिया, तो डेफिनेटली मार्केट अभी और ऊपर जाने वाला है। सो ये तो जस्ट एक हमारा असम्पशन, मतलब हमने जस्ट न्यूज़ के बेस पे बात की है। अभी हम चलते हैं डेटा के अकॉर्डिंगली, देखते हैं कैसे मार्केट वर्क कर सकता है। सोपसू का अभी आपको दिख रहा होगा मेरे पास ये बैंक निफ्टी का ये चेंज इन OI बारग्राफ के फॉर्म में सब ओपन है ना। हम इसको 2 मिनट एनालिसिस कर लेते हैं। ये देखो, आपको दिख रहा होगा 1 सितंबर का है ये, है ना, और ये वीकली चलता है ना, अभी वीकली चलता है। यहाँ पे एक्सपायरी दिखा रहा है 7, बट आई थिंक बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 6 तारीख को होने वाली है, ठीक है, चेंज हो गई है। अगर आपने अपडेट्स ये वाला वीडियो नहीं देखा है, मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया, प्लीज़ जाके देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेफिनेटली कुछ चीज़ उसमें अपडेट्स मिलेंगे। अभी देखो, ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 44,000 पे अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। ये पुट शॉर्ट किए हैं लोगों ने, ठीक है, ध्यान से सुनना, पुट शॉर्ट किए और यहाँ पे कॉल शॉर्ट किए, तो मेजर रेजिस्टेंस है वो है 44,500 पे। अगर ये ब्रेक किया तो हो सकता है मार्केट हमको और अच्छा खासा अपसाइड मतलब जाते दिख जाए, ठीक है। बट यही है कि जो अगर हम थोड़ा सा ऑप्शन चेन पे भी जाएंगे, मैं ऑप्शन चेन पे जाके दिखाऊंगा, 44,500 थोड़ा सा सपोर्ट है, सेलिंग अच्छी खासी है वहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो रेजिस्टेंस 45,000 है। मार्केट ने बहुत अच्छे लेवल पे क्लोज किया है। अभी देखते हैं कि क्या मतलब कौन जीतता है, कि यहाँ पे अगर मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक करता है या इसी रेंज में वर्क करता है। बट देखो, आपको एक रेंज मिल गई, 44,000 एंड 44,500, ये एक रेंज मिल गई। अगर मार्केट इसी की रेंज में वर्क किया तो खाली सेलर्स पैसा कमाएंगे डिके का, बाकी ऑप्शन बार्स के लिए कुछ नहीं मिलेगा। इंडिया वेक्स 11.37 है, PCR 1 है, ठीक है। अभी चलिए हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे। सोचू का जब भी आपको ऑप्शन चेन देख रहे हो, हमने NSE की ऑफिशियल वाली ओपन की है, सेंसिबल की अभी वर्क नहीं कर रही है। तो यहाँ पे देखो, 44,000 पे हमको मेजर सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। वहीं अगर हम अदर हैंड देखेंगे कि कॉल्स राइटर्स देखो सारे यहाँ से भाग चुके हैं। अभी बात यह है कि मार्केट हम ओवरऑल भी देखेंगे तो हमको कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही दिख रहा है, ठीक है। अगर हम इसको ये यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ओपन करेंगे तो ये हमको पॉजिटिव ही दिख रहा है। तो सेम वही सिनेरियो इसमें कि यार मार्केट में सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, अगर नेगेटिव गया तो कुछ बड़ा कारण चाहिए। अभी चलिए हम स्क्रीन पे देखते हैं कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है। देखो, यहाँ पे कुछ लेवल्स मैंने मार्क किए इंपॉर्टेंट, ये रेजिस्टेंस है जो प्रीवियस मार्केट के, ये देखो यहाँ से मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आ गया, ठीक है। अभी देखो, अगर हम गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंगली चलें तो मार्केट पॉजिटिव दिख रहा है, न्यूज़ हैं वो भी सारी पॉजिटिव है। बस आज ये है कि हमारा ये आदित्य L1 मिशन, इससे थोड़ा सा और इम्पैक्ट हमको मार्केट में पता चल जाएगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद जहाँ पे मार्केट ने हाई बनाया है, हाँ प्रीवियसली जो हाई बनाया है, अगर इसके ऊपर सब्सटेन करता है थोड़ी देर, देन हम बाइंग के लिए देख सकते हैं 44,800 तक के लेवल्स हमको दिख रहे हैं मंडे के लिए। इसके ऊपर अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 44,950 या 45,000 हम एक मान सकते हैं। मार्केट डाउनसाइड के लिए नेगेटिव कब जाएगा, नेगेटिव जब यह कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए और 200 EMA के ऊपर नहीं जाए। ये 200 EMA लगा है, आप भी चाहो तो लगा सकते हो, 200 EMA के ऊपर नहीं जाए या यहीं पे कोई नेगेटिव कैंडल बना के दिन का लो ब्रेक करता है, देन हमारे लिए सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बट ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट हमको अपसाइड के लिए ही दिख रहा है। अगर साइडवेज चला गया देन इट इज़ ओके, बट बाइंग टू साइडवेज ही मार्केट हमको अभी दिख रहा है, सेलिंग साइड के लिए उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही जब तक मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन नहीं हो जाता। सो होप्स यू गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की है ये जो लेवल्स है आप मार्क कर लो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी आपसे मिलता हूं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।